खुदा से यीशु में आप तमाम मेरे मसीह बहनों को सलाम जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। वीडियो में आगे जाने से पहले मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग सही होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हालात हैं ना सिर्फ इंडिया में वरन पूरी दुनिया में बहुत ही नाजुक बने हुए हैं। कहीं बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से बाढ़ आ रही हैं, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं, और फिर हम इंडिया में जानते हैं कि मणिपुर का इशू पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। और आप सब लोग जानते होंगे, वीडियोज़ अपडेट न्यूज़ आपके सामने आती हैं, और बहुत ही दर्दनाक वो इशू था। तो आज कुछ बहुत ही ज़रूरी अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। और सबसे पहली अपडेट, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो सेकंड चैनल है ब्रदर याकूब लाइव करके, वहां पर हमने प्रकाशित वाक्य की स्टडी को शुरू किया हुआ था, और उसके जो 7 चर्चेस हैं चैप्टर 2 और 3 में, उनकी स्टडी हमने फाइनली कंप्लीट कर दी है, और टोटल 20 एपिसोड्स हमने अपलोड किए हैं प्रकाशित वाक्य की किताब से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज जरूर देखना। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अगर पहले 1-2 इंट्रोडक्टरी जो एपिसोड्स हैं उन्हें देख लोगे तो आप सच में बहुत ब्लेस हो जाओगे। प्लीज उन्हें जाकर जरूर देखिए। लिंक चैनल का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप ब्रदर याकूब लाइव करके आप टाइप करोगे तो आपको चैनल सामने आ जाएगा। तो प्लीज मेरी उम्मीद है कि आप उस वीडियोस को जो प्रकाशित वाक्य के ऊपर है जरूर देखेंगे, आपकी उन्नति के लिए, बेहतरी के लिए, और ख़ासकर इन अंतिम दिनों में जिसमें हम रह रहे हैं। ये वक्त, ये दिन बहुत ही कठिन है, बड़े ही मुश्किल हालात बने हुए हैं। तो इन दिनों में प्रकाशित वाक्य की स्टडी करना, और प्रभु यीशु मसीह की जो बातें उसमें लिखी हैं, जो कही गई हैं, उनकी आज्ञाकारी करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो किताब अंतिम दिनों में हम मसीहों को इनकरेजमेंट, हौसला, तसल्ली देने के लिए है। और तो ये थी सबसे पहली अपडेट। एक दूसरी जो इन्फॉर्मेशन या अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है, आई थिंक आप में से बहुत से लोग शायद जानते होंगे, अगर बहुत से नहीं तो कुछ लोग जरूर जानते होंगे, ऑफ द कर्ब मिनिस्ट्री। ये एक इंग्लिश यूट्यूब चैनल है जो कि सच में अमेजिंग, बहुत ही बिब्लिकल और गॉस्पल सेंटर्ड जो मैसेजेस होते हैं उन्हें अपलोड करते हैं। बहुत ही अद्भुत चैनल है। इनफैक्ट मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद भी उन्हें काफ़ी देर से फॉलो करते आ रहा हूं, और जितने भी वो एपिसोड्स, जितने भी मैसेजेस या वीडियोस अपलोड करते हैं वो लाइफ चेंजिंग होते हैं। हर एक में गॉस्पल, सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का कलाम, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस, उसका जी उठना, और हमारे ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए, उन सब चीज़ों को भरा होता है उस चैनल में। तो अब उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि उस चैनल को वो हिंदी में भी अब शुरू किया है, ताकि जो हमारी इंडियन ऑडियंस है जो इंग्लिश नहीं समझ सकते हैं उन तक भी पहुंच सकें। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप हिंदी समझ लेते हैं या उर्दू समझ लेते हैं, तो प्लीज़ आप उस चैनल को, चैनल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ऑफ द कर्ब मिनिस्ट्री ब्रदर जो कर भी हैं, जो उस चैनल को चलाते हैं और एवेंजलिस्ट हैं, बहुत ही अच्छे खुदा के दास हैं। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ उस चैनल को विज़िट जरूर करें, उसको सब्सक्राइब करें, और वो चैनल आपके लिए बड़ी एक आत्मिक उन्नति का, तरक्की का कारण बनेगा। और मैं आपको कह दूँ कि वीडियो कहीं भी स्पॉन्सर्ड नहीं है उस चैनल के द्वारा, बस मुझे उनका कॉन्टेंट, उनकी वीडियोज़, मैसेजेस अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने जब देखा और उन्होंने मुझसे अप्रोच किया कि हम हिंदी में इस चैनल को स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सब भाई बहनों को बताया जाए, क्योंकि जो अच्छी चीज़ होती हैं, जो आत्मिक चीज़ें होती हैं, जो कि आप तक पहुंच सकती हैं, जो जरूरी है आप तक पहुंचनी चाहिए, तो मैं जरूर कोशिश करता हूं कि वो जरूर आप तक पहुंचाई जाए, ताकि हम जो सच्चाई का कलाम है, जो सच्चा सुसमाचार है, जो सच्चा वचन है, हम सब तक वो पहुंच सके। तो इस कारण मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ब्रदर जो कर्बी का जो चैनल है ऑफ द कर्ब मिनिस्ट्री है, वो हिंदी में अवेलेबल है, और उस चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लीज़ आप जाकर जरूर उस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर नए वीडियोस को जरूर देखें। आपकी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत ही तरक्की, बहुत ही बेहतरी होने वाली है। आत्मिक उन्नति को, ग्रोथ को अगर आप चाहते हैं, प्लीज़ उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और तो तीसरी अपडेट ये है कि हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सवाल जवाब करेंगे। आपके सवाल होंगे, हम उनका जवाब देंगे। बहुत सारे भाई बहन सवाल करते हैं, तो कई बार हम हर एक सवाल को पिकअप नहीं कर सकते हैं, तक हम सेपरेट सीरीज़ अगर शुरू करेंगे तो उसमें आपके जितने भी सवाल होते हैं वो सवालों का हम जवाब दे पाएंगे। कई लोगों की आयतें होती हैं जो नहीं समझ पाते, तो आप उन आयतों को भी उस सवाल में डाल सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, ये वचन का क्या मतलब है। तो प्लीज़ हम उस सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं, और सीरीज का नाम होगा टेल मी याकूब, मतलब हिंदी में कि बताइए मुझे याकूब। तो प्लीज आप उस सीरीज के लिए अपडेटेड रहना, और मैं आपको स्टोरी में या कम्युनिटी में अपडेट करके बताऊंगा। आपके सवाल हम ले लेंगे, और 10 या 15 या हो सके तो 5 सवाल, अगर कुछ ज़्यादा डिटेल में अगर वीडियो बनानी पड़ती है, 5, 10 या 15 सवालों को पिकअप करेंगे, उनका जवाब देंगे,
और ये आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए एक बहुत ही ब्लेसिंग होने वाली है। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर टेल मी याकूब के लिए, और प्लीज़ बताइए मुझे कमेंट करके कि क्या सच में आप इस सीरीज़ को चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि आपके सवालों के जवाब मिले। तो प्लीज़, ऑफकोर्स मुझे पता है आपके बहुत सारे सवाल होते हैं, कई लोग कमेंट करते हैं, कई लोग मैसेजेस करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि हम एक सेपरेट सीरीज़ उसके ऊपर शुरू करें। और तो चौथी अपडेट है सोशल मीडिया को लेकर। ओके, हम सब लोग जानते हैं प्रभु यीशु ने जब पतरस को बुलाया और उसके भाई को बुलाया, तो उसने कहा कि अब तुम मछलियां पकड़ने वाले नहीं वरन इंसानों को पकड़ने वाले हो गए। तो हम अब इंसानों को पकड़ने वाले हैं, जहां कहीं भी झुंड है मछलियों का, यानी इंसानों के मछलियों का, हमें वहां जाना है, सुसमाचार को लेकर जाना है और उन लोगों को बचाना है। तो यूट्यूब एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म था, जहां पर जवान थे, जहां पर वो लोग थे जिन तक हम पहुंच सकते थे, और ये इनिशिएटिव एक बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव रही। बहुत सारे आप भाई बहनों ने वचन को सीखा, सच्चाई को सीखा, सच्ची शिक्षा को सीखा। तो हम चाहते हैं कि, हम जानते हैं कि बहुत सारे जवान आज भी इंस्टाग्राम के ऊपर भी हैं और फेसबुक के ऊपर भी हैं, और हम चाहते हैं कि इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी हम सुसमाचार को पहुंचाएं, हम सच्चाई को फैलाएं, वचनों को फैलाएं। नाउ अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मत करना। अगर आप फेसबुक को यूज़ नहीं करते तो मेरी रिक्वेस्ट है आप मत करो। लेकिन अगर आप ऑलरेडी करते हो तो प्लीज़ वहाँ पर हमारे जो अकाउंट्स हैं, टेल द ट्रूथ याकूब करके ही हैं, फेसबुक के ऊपर भी, इंस्टाग्राम के ऊपर भी, आप प्लीज़ जाइए और उन अकाउंट्स को प्लीज़ आप ज़रूर फॉलो करें, और उनका लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम ऐसे वीडियोज़ को अपलोड करते रहते हैं, कई जो ज़रूरी पोस्ट होती हैं, जब बातें होती हैं, जब कई वचन होते हैं, उनको शेयर करते हैं। तो प्लीज़ आप उस जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भी ज़रूर जाइए, फॉलो करें। तो इससे क्या होगा कि हम जब कुछ चीज़ें शेयर करेंगे तो आप उन्हें अपने अकाउंट पर शेयर कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर शेयर कर सकते हैं, ताकि जितने भी आपके लोग हैं आपके साथ जुड़े हुए हैं उन सब तक मैसेज पहुंच सके, उन सब तक सुसमाचार पहुंच सके। और तो ये थी चौथी अपडेट। पांचवी अपडेट है कि ओके, अगर आप हमारे भाई बहन, आप मुझे पता है कई लोग शुरुआत से हमें सुनते आ रहे हैं, कुछ लोग नए होंगे, तो आपने बहुत कुछ बड़े बदलाव, बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। अब मैं आपसे सजेशन लेना चाहता हूं, क्योंकि ज़रूरी है कि हम आपसे भी पूछें कि आपको चैनल में कौन से वो बातें हैं जो सही नहीं लगती हैं, या कुछ चीज़ों को आप करेक्ट करना चाहते हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि वन मैन आर्मी चले, कि मैं ही जो मुझे सही लगता है वही करता रहूं। अगर आपको भी कुछ लगता है कि ये चीज़ें यहां पर ऐसे होनी चाहिए, या भाई आपको थोड़ा इसको और बेहतर करना चाहिए, या इन चीज़ों के बारे में आपको बात करनी चाहिए, सो प्लीज़ आप अपने सजेशंस मुझे नीचे कमेंट करके भी दे सकते हैं। और पर्सनली अगर आप मैसेज करना चाहते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, या नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके हमें बता सकते हैं आपके सजेशन, आपकी जो भी कुछ बात आपको चैनल के रिलेटेड या हमारे रिलेटेड कुछ कहनी है। तो नहीं तो छठी अपडेट है सब्सक्राइब को लेकर। यस, आप में से बहुत सारे भाई बहन मैं देखता हूँ कि वीडियोज़ को देखते हैं, चैनल को सुनते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। देखिए ये जरूरी क्यों है, क्योंकि ये जरूरी इसलिए है कि जब आप सब्सक्राइब करते हैं या कमेंट करते हैं या लाइक करते हैं, तो इससे क्या होता है कि चैनल की रीच बढ़ती है, और यूट्यूब क्या करता है कि वीडियोस को और भी लोगों तक पहुंचाता है। उन्हें लगता है कि ये इस चैनल के ऊपर बढ़िया गतिविधियाँ हो रही हैं, लोग इंगेज हैं एक दूसरे के साथ, तो ये चैनल की जो वीडियोज़ हैं वो काफ़ी इंगेजिंग हैं और अच्छी हैं लोगों के लिए, तो चैनल को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है। सो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप देख रहे हैं वीडियोज़ को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी जरूर कर दिया करें, और कमेंट जरूर कर दिया करें। जो भी आपको वचनों से सीखने को मिलता है, या आपके ऊपर कुछ वचन रिवेलेशन रिवील होते हैं, तो आप उन सबको शेयर कर सकते हैं। और आखिरी और बहुत ही ज़रूरी अपडेट, ये बहुत ही ज़रूरी अपडेट है, और ये ज़रूरी अपडेट क्यों है, क्योंकि ये मणिपुर के इशू को लेकर है। हम सब जो जानते हैं कि जो कुछ भी मणिपुर में हो रहा है, तकरीबन 300 के करीब चर्चेस को जला दिया गया है, बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन जो वहाँ पर, जो कि कुकी ट्राइब से और नागा ट्राइब से हैं, उनके ऊपर हम जानते हैं कि बहुत सारा अत्याचार हो रहा है, और रिसेंटली जो वीडियो वायरल हुई उसके विषय में भी आप जानते हैं। अब ये मैं इसलिए अपडेट आपके सामने लेकर आ रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हम एक स्पेशल प्रेयर मणिपुर के भाई बहनों के लिए, और मणिपुर में जो इशू चल रहा है, वहाँ पर जो दंगे वायलेंस हो रहा है, हम उसके लिए स्पेशल प्रेयर करें, फास्टिंग के साथ करें। अब मैं इसको अनाउंस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम जानते हैं एस्तर के विषय में, जब हम एस्तर की किताब में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर यहूदियों के ऊपर जब अत्याचार हो रहा था, यहूदियों की जो कौम थी पूरी, उन्हें तबाह करने वाले थे, तो एस्तर ने ये मैसेज भेजा था कि तुम लोग उपवास करो, मैं भी करूँगी, हम सब लोग उपवास में प्रार्थना करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं भी, एस्तर ने लेटर लिखकर भेजा था, मैं वीडियो बनाकर आप तक मैसेज पहुँचा रहा हूँ कि आइए हम सब
सैटरडे का दिन रखते हैं, अगर आप हो सकता है तो सैटरडे के दिन फास्टिंग करें, उपवास करें, और अगर आप नहीं भी कर सकते तो आप वैसे ही प्रार्थना कर सकते हैं। सैटरडे के दिन हम सब मिल भाई बहन मिलकर फास्टिंग करेंगे, उनके लिए स्पेशली प्रेयर करेंगे कि मणिपुर का इशू सॉल्व हो जाए, वहाँ पर जो लड़ाइयाँ दंगे चल रहे हैं वो सॉल्व हो जाएँ, जो वहाँ के लीडर्स हैं, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके मन में भी खुदा रहम को पाए कि वो इस इशू के ऊपर बात करके इस इशू को सॉल्व करें, और वहाँ पर जो जाने जा रही हैं हमारे मसीह भाई बहनों की या दूसरी कम्युनिटी, मैथी कम्युनिटी के लोगों की, ये सब वायलेंस स्टॉप हो जाए, वहाँ पर फिर से शांति आने पाए। और जो भाई बहन वहाँ पर ऑलरेडी अत्याचार को सह रहे हैं, जिन्होंने अपने अपने रिश्तेदारों को खोया है, प्रार्थना करेंगे कि खुदा उन्हें भी तसल्ली दे, विश्वास में ये लोग बने रहें। सो इस इशू के लिए प्रार्थना करने के लिए हम सैटरडे का दिन रख रहे हैं। प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप फास्टिंग रखेंगे, प्रेयर करेंगे, और सैटरडे के दिन हो सके आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि अगर हम जूम मीटिंग करके शाम को 5 बजे या 6 बजे, आप टाइमिंग प्लीज़ मुझे बताना, फिर उस हिसाब से जो मेजॉरिटी लोग उस हिसाब से हम टाइम को सिलेक्ट कर लेंगे कि 5 बजे का या 6 बजे का होना चाहिए, हम सब मिलकर जूम पर आएंगे और मिलकर प्रार्थना करेंगे मणिपुर के इशू के लिए। सो प्लीज़ अगर आप सहमत हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर आप फास्टिंग रख सकते हैं तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं रख सकते तो नो प्रॉब्लम, आप ऐसे ही प्रार्थना कर सकते हैं। तो ज़रूर करें, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या किस टाइम पर हम जूम पर इकट्ठे होकर उस इशू के लिए प्रेयर कर सकते हैं, प्लीज़ हमें ज़रूर बताना। और तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो मुझे आपसे कहनी थी। सो प्लीज़ हमारे जो दूसरा चैनल है प्रकाशित वाक्य की, जहाँ पर स्टडी चल रही है, उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। ब्रदर जो कर्बी का जो ऑफ द कर्ब मिनिस्ट्री है वो हिंदी में अब अवेलेबल है, प्लीज़ आप उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये जो हमारा मणिपुर का मेन इशू है, इसके लिए प्रार्थना करने के लिए प्लीज़ नीचे कमेंट करें, ज़रूर बताइए कि हमें सैटरडे के दिन किस वक्त में मिलकर जूम मीटिंग में आकर प्रार्थना करनी चाहिए। ऑल राइट, तो ये कुछ जरूरी बातें थी, प्लीज़ इसे शेयर करें और भी भाई बहनों तक, और जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा मुझे आपको हम सबको संभाल के रखे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।